हेलो एवरीवन, मु चंदन आपण मानकु वेलकम करुची मोर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चंदुरे। आज आम मैथ रो शॉर्ट ट्रिक क्लास रे फ्रैक्शन वैल्यू को किभली भाबरे सहजरे एवं जल्दी काढ़ी पारिबा ताकु सिखिबा। तेबे फ्रैक्शन वैल्यू को केउठारे व्यवहार करा जायथे परसेंटेज रो बड़ बड़ प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले किंबा सिंप्लीफिकेशन रे जदि परसेंटेज रो कोनोसी क्वेश्चन आसी थाए ताकु सॉल्व करिया पई आमे साधारणत परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को व्यवहार करिथाउ। तेबे साधारणत फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एही बोली कंडीशन रे आमे साधारणत फ्रैक्शन वैल्यू को व्यवहार करिथाउ। तेबे आपण मन रे क्वेश्चन आसु थई पारे जे परसेंटेज कौन, परसेंटेज रो माने हेउची 1 बाय 100। बुझी पारिले परसेंटेज रो माने हेउची 1 बाय 100। तो आपण मानकु जदि के पचारे 100% रो वैल्यू केते तो आपण माने कौन कहिबे 100 इनटू परसेंटेज रो वैल्यू हेउची केते 1/100। तो 100 को 100 कटिगले केते हेबो 1। तो 100% रो वैल्यू होउची 1। तो आपण मानकु जदि के पचारे 50% रो वैल्यू केते तो बा फ्रैक्शन वैल्यू केते तो आपण माने कोन कहिबे 50 × 1/100। जदि 50 को 100 कटिबा देन केते हेबो 2, देन एहर आंसर केते हेबो 1/2। तो 50% रो परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू केते 1/2। तो सही भली भाबरे आपण को जदि के पचारे 60% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते तो आपण माने कोन कहिबे 60% रो माने कते 1/100। जदि हा को आमे काटिबा देन केते हबो, या को जदि 2 रे काटिबा 2 3 6, 2 रे काटले 2 5 10, तो एहर फ्रैक्शन वैल्यू केते 3/5। तो बुझि पारिले कि भली भाबरे परसेंटेज को आपण माने को फ्रैक्शन वैल्यू करिके देखौची। तो आपण मानको फ्रैक्शन वैल्यू सिखिबा निहाती दरकार, कारण परसेंटेज प्रॉब्लम को जदि आमे बहुत जल्दी करिवार अछि तबे आमको कोन कहा किए सहाय्य करिवो, एही फ्रैक्शन वैल्यू ही सहाय्य करिवो। तो आपण माने देखंतु एटे 20% दैछि, तो 20% माने के फ्रैक्शन वैल्यू केते 20 × 1/100। एहा को काटिबा जदि केते हबो 1/5। तो एठी जदि आपण मान पाखरे तो एहर माने कोन, तो आपण को पाखरे जदि संपूर्ण 5टी जिनिस अछि तार जदि 20% होउछि 1। बुझी पारले मु आपनको आउ गोटे एग्जाम्पल देउछि, माने कहले जे 25% 25% रो वैल्यू होउछि 1/4, माने फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपन मान पखरे मान कर 4टी गोटे जिनिस अछि ताकु जदि आमे कोन करिबा 4 भाग करिबा देन गोटे भाग होउछि 25%। बुझी पारले तो किभलि भाबरे फ्रैक्शन वैल्यू आपन मानको बाहर करबा को पड़ुछि परसेंटेज रु। तो आपन मानको मिनिमम गोटे टेबुल देछि, ए टेबुल रे जति भी फ्रैक्शन वैल्यू अछि आपण मानको मने रखिबार अछि। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू मने रखिले ही आपण माने क्वेश्चन को बहुत जल्दी डील करि परिबे, किंतु एहा को मने न रखिले मध्ये मु आपण मानको ट्रिक देबी जहाँ सहाय्य रे आपण माने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करि परिबे, किंतु आपण को मिनिमम एतिकिटी फ्रैक्शन वैल्यू को मने रखिबार अछि, कारण एहा आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट, किंतु ट्रिक माध्यम रे मध्ये एहा को आपण माने करि परिबे। तबे कोन देछि फ्रैक्शन वैल्यू आ परसेंटेज आसुन देखिबा, 100% माने होची 1, मु आपण मानु करि देखैली। 50% माने होची 1/2, 33.33 बा 1/3 रो वैल्यू होची 33.33%, से भले भाबर 1/4 रो वैल्यू होची 25%। तो एठी मु आपण मानु संपूर्ण टेबल टी देई देछि जहाँ सहाय्य रे आपण माने सहज रे फ्रैक्शन वैल्यू को मने रखि परिबे। तबे मु आपण मानु किभली भाबर परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज किभली भाबर कन्वर्ट करिबे मु आपण मानु सिखेबी। एति सहित लार्जेस्ट फ्रैक्शन को मध्ये किभली भाबर परसेंटेज रे कन्वर्ट करिबे ताकु मध्ये सिखेबी। तबे आसंतु देखिबा, तो एठी आपण मानु कोन दैछि परसेंटेज कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, तो परसेंटेज किभली भाबर फ्रैक्शन ने कन्वर्टेड हबो। तो मु आपण मानु किछि टाइम पूर्व आपण मानु देखैली, तो जदि आपण मानु दैछि 25%, तो 25 × 1/100, 1/100 काहीक लिखिले ना ये परसेंटेज चिन्ह जेहेतु देछि, तो यह आपने काटिदेले के 1/4। तो आपण मानक माइंड रे क्वेश्चन आसीथिबो जे ए तो बहुत छोट छोट क्वेश्चन अछि, जदि बिग बिग माने टाइप रो किछि आसे तो आपण माने एहा कि भली भाबरे डील करिवे। तो मैं आपण मानक करके देखै दउछि, माने कर देछि 5 × 1/6 2/3%। तो एहार मान केते, तो आपण माने निश्चित भाबरे बिग नंबर को देखि कन्फ्यूज होइ जइबे। तो आपण माने एहा को प्रथमे भांगीबा सिखंतु, एठी माने कर 516 अछि, 516 रो माने हेउछि 500 + 16 2/3। बुझी पारले 500 मिसाण 16 2/3, तो 500 रो माने
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 100ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 1, ତ ଏଠି 500 ଅଛି, ତ 500ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ? 5 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଅଛି 16 ଟୁ ବାଇ 3। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟିଏ ଘୋଷିବାକୁ କହିଥିଲି, ତ 16 ଟୁ ବାଇ 3ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 1/6। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ 16 ଟୁ ବାଇ 3କୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ, ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି କହିଦେଲେ କି 1/6? ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 16 ଟୁ ବାଇ 3। ତ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, 16କୁ 3ରେ ଗୁଣିଦେବେ। 16 3 କେତେ? 48 ପ୍ଲସ୍ 2, 48ରେ ପ୍ଲସ୍ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 50। 16 2/3 ଦେନ୍ ଇଏ କେତେ ହେବ? 50/3। 16 3 48, 48 2 50। ଦେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ ହେଉଛି 1/100, କାରଣ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଯଦି 50କୁ ଏହାରେ କାଟିବା ଦେନ୍ କେତେ ହେବ? 2, ତ କେତେ ଆସିବ? 1/6। ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ 16 2/3% 1/6 ବୋଲି କହିଲି? ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟେବୁଲକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଟେବୁଲ ମନେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କଲେ, 16କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ, ଦେନ୍ 2 ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ 50/3 ହେଲା, ଦେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ ହେଉଛି 1/100, ଦେନ୍ ପକାଇଦେଲେ, ଦେନ୍ ଆନ୍ସର କାଢ଼ିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ, 516/3%, ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, 500 + 16 2/3। ଓକେ, ତ 500ର ମାନେ ହେଉଛି 5, ଦେନ୍ ଏଠି ହେଉଛି 1/6। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମିଶାଇ ପାରିବେ, 56 + 30 = 31/6। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ତ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ମନେକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 11/7, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରି ଦେଖାଇବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଲ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ତ ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି, 11/7, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଟେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ରିଏଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ଏଠି ହେବ କେତେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା, 1.4/7। ଏକକୁ ଆମେ କେତେ କହିଥାଉ, 100 ବୋଲି କହିଥାଉ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତ 4/7, 4/7ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ତ ଏହା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 4/7। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, 4/7, ତ 4/7 ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତ 4/7 ଆପଣମାନେ 100 ଗୁଣିବେ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଥିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଥିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ 1/100 ଗୁଣିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟ ହେବ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ 100 ଗୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେବ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 1/100 ଗଣିବେ। ତ ଏଠି 4/7ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଠି 4/7ର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ, ଇଣ୍ଟୁ 100, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ, 400/7। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ହେବ, 57.1/7। ତ 57 କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ 399 / 399, ସେଥିରେ 1 ଆଡ଼୍ ହେଲେ କେତେ ହେବ, 400/7। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 4/7କୁ ବା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟେଡ୍ କଲେ। ତ 4/7 ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେବ ସେ କେତେ ହେବ, 57/57.1/7। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦେଇଥିଲା, 11/7, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି କରିଥିଲେ 1.4/7, 1ର ମାନ ହେଉଛି 100 / 4/7, ଯାହାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରି କେତେ କଲେ, 57.1/7, ଯାହାର ଟୋଟାଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ହେଲା, 157/7। ବୁଝିପାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କନଭର୍ଟ କଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିକି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 37.37/8। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ କେତେ ହେବ, 4.5/8। 4ର ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 400, 5/8ର
फ्राक्शन अच्छी तो फाइव बाय एट को आपण मैंने किभ भाव में परसेंटेज कनवर्ट करेंगे आपको शिखेली आप हंड्रेड गुणीदेवे हंड्रेड गुणी देला से कैसे हो फाइव हंड्रेड बाय एट। ओके बुझीपारे एटी फोर को लिखिली चार सौ एटी फाइव बाय एट को जो मुझे हंड्रेड गुणिली देन के फाइव हंड्रेड बाय एट तो यह आपने कौन करेंगे यह एक अपकृत भग्नांश तो यह आम कौन करवा एक रियल भग्नांश व रियल फ्राक्शन में परिणत करवा रियल फ्राक्शन में परिणत कले के हम चारिश आपको आउ थे देखा चारिश प्लस केते फाइव हंड्रेड बाय एट तो यह आपने कनवर्टेड कले के हम चारिश प्लस सिक्सटी टू पूर्ण एक विभक्तक दुई तो यह मिसेदेला के चारिश बासठ पूर्ण एक विभक्तक दुई परसेंटेज बुझिपारे किभली भाव में फ्राक्शन को आपण मैंने किभली भाव में परसेंटेज परिणत कर तो ये आस देखा मेथड टू लार्जेस्ट परसेंटेज क्वेश्चन मैं जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट टाइप परसेंटेज थी तो यह आपली भाव में सल्व करेंगे मनकर आपण मानक फाइव सिक्स सिक्स टू बाय थ्री परसेंटेज सरी मुझे आउ गोटे क्वेश्चन नौ वन फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन परसेंटेज तो वन फिफ्टी सेवेन मान कौन हंड्रेड प्लस फिफ्टी सेवेन बाय वन बाय सेवेन। ओके तो आपण मैंने कौन जानते जो फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन होगा देन यह आपड़ी कौन करेंगे ये करदे हंड्रेड मान हो वन एटी फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन मान हो फोर हंड्रेड बाय सेवेन जहाँ को आपड़ मिसेदे के हम चारिश सात बाय सरी चारिश सात बाय सात। ओके तो मुझे आपण मानक आउ गोटे कर देखिए मन कर दे फाइव सिक्स सिक्स टू बाय थ्री परसेंटेज जहाँ को आम भांगे के फाइव हंड्रेड प्लस सिक्सटी सिक्स टू बाय थ्री तो फाइव हंड्रेड मान हो फाइव तो सिक्सटी सिक्स टू बाय थ्री को आपण मैंने कौन करेंगे प्रथम कौन करेंगे आपको गुणी देवे सिक्सटी सिक्स को थ्री गुणिले आप के हम टू हंड्रेड बाय थ्री यह आम कौन करवा फ्राक्शन कले के हम वन बाय हंड्रेड टू तो यह हम के टू बाय एट तो फाइव सरी फाइव प्लस टू बाय एट एवं आपण मैंने सल्व करेंगे केवे सेवेन्टीन बाय थ्री आपको आपको गुणी देखो आपको आपको मिस सरी फाइव सरी टू बाय थ्री हे तो आपण मैंने सल्व करेंगे तो यही भाव में आपण मैंने लार्जेस्ट परसेंटेज को सल्व करेंगे तेज आसतु केते गुड़े परसेंटेज क्वेश्चन को सल्व करवा जहाँफल आपजी हे बुझे कारण आपण मैंने क्वेश्चन को बुझे ही आपण मैंने किभली भाव में फ्राक्शन को कनवर्टेड करेंगे परसेंटेज बुझीपारे तेज आम फास्ट क्वेश्चन टी देखे सत्तावन विभक्त वन बाय सेवेन परसेंटेज अफ फर्टी टू प्लस ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी टू पूर्ण एक विभक्त दुई परसेंटेज अफ एटी एट प्लस ट्वेंटी सिक्स तो आपण मैंने अलरेडी आपड़ जानते जे अफ रे हूँ मल्टीप्लिकेशन कारण मुझे आपन को भी बदमाश रूल एक जिन सब शिखे तो आपण मानक प्रथम वन फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन परसेंटेज को सल्व करार अच्छी तो वन फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन तो यार यहाँ जी आम कौन करवा फ्राक्शन में कनवर्टेड करवा तो शहे प्लस फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन बुझीपारे तो शहे मान हूँ के तो यह आम कौन करवा फास्ट गुणवा सात सत्ता के अंचाश थ्री नाइन नाइन प्लस फोर हंड्रेड बाय सेवेन तो मुझे आपको कही किभली भाव में फ्राक्शन को कनवर्टेड कराव परसेंटेज फ्राक्शन को कनवर्टेड करवाक परसेंटेज कौन करवाक पड़े वन बाय हंड्रेड गुणा को पड़े तो शहे जी आम चार सौ काटा के चार हम देन यार आंसर के फोर बाय सेवेन तो आमको कौन करवाक पड़ो वन प्लस फोर बाय सेवेन के हम आंसर यार आंसर हम सत के चार एगार इलेवेन बाय सेवेन तो ये आम वन फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन परसेंटेज जगार इलेवेन बाय सेवेन लिखा बुझीपारे केमती है प्रथम शहे प्लस फिफ्टी सेवेन शहे प्लस फिफ्टी सेवेन वन बाय सेवेन को आपण मैंने कौन कले कनवर्ट कर कले तो ये आम के लिखा इलेवेन बाय सेवेन अफ जगह लिखा इन टू देन लिखा फर्टी टू प्लस ट्वेंटी एट। ओके देन से ही भाव में सिक्सटी टू पूर्ण एक विभक्त दुई को कनवर्ट करवाक पड़ो तो केमी करेंगे सिक्सटी टू सिक्सटी टूर आपण मैंने जी कौन करेंगे गुणी देवे डायरेक्ट तो आपण मैंने गुणी देते हे बाठी षाठी शहे कोड़े शहे चबीश शहे पचिश बाय जहाँ को आम लिखा शहे पचिश बाय टू तो आपण मैंने जानते फ्राक्शन को कौन करेंगे
कन्वर्ट करिया कोले कोन करिया परसेंटेज करिया कोले कोन करा हबो 1 बाय 100 गुणिया को पड़िबो तो जदी 25 से काटिबा 25 50 125 25 से काटले 25 400 तो आपन मन केते आंसर आसीबो 5 बाय 8 तो एहर आंसर के 62 एक विभक्त को दुई जगह रे आमे लिखिबा 5 बाय 8 तो बुझी पाइले तो एठी 157 1 बाय 7 जगह आमे लिखिबा 11 बाय 7 ऑफ बाय इनटू 42 कारण यहाँ को आम कन्वर्ट करी एति बाहर कले प्लस 28 प्लस 5 बाय 8 ऑफ 88 प्लस 26 तो आपण मैंने काटिदे 742 एगार को छे 66 प्लस 28 प्लस 8 को जब आप 28 काटे 11 11 पंचा 55 देन एपट जो 26 उपर थिला मिसीजी तो आपण मैंने यहाँ को टोटाल आर करेंगे देन आपर आंसर के 155 तो आपण मैंने कौन करूँ क्वेश्चन को प्रथम देखु एवं निजे निजे सॉल्व करने को चेस्टा करूँ जहाँफल आपजी हम बुझे तो आम सेकेंड क्वेश्चन टी हूँ 8.1 विभक्त 3% इंटू 144 प्लस 6.1 विभक्त 4% इंटू 256 तो 8.1 विभक्त 3 को जो आपने कौन करेंगे परसेंटेज कनवर्टेड अच्छी तो यह आम फ्राक्शन में कनवर्टेड करवा तो किभली भाव में 8.1 विभक्त 3 जहाँ को आम के 25 बाय 3 गुणवा के 1 बाय 100 तो यह काटिले के 4 तो आम आंसर के 1 विभक्त 12 तो 8.1 विभक्त 3 को यदि आम कौन करवा परसेंटेज कनवर्टेड करवा यार आंसर के 1 बाय 12 तो से ही भाव में 6.1 विभक्त 4% को यदि आम सल्व करवा के 6.1 विभक्त 4 24 एक 25 25 बाय 4 इंटू 1 बाय 100 सॉरी बुझिले तो यह आपने कौन करेंगे काटिले 25 चौ शहे तो 4 को 4 गुणे के 16 तो यार आंसर के 1 बाय 16 यार हम 1 बाय 12 आर हम 1 बाय 16 तो आसन्त क्वेश्चन सॉल्व करवा 1 बाय 12 इंटू 144 प्लस 1 बाय 16 इंटू 256 तो 12 को जब 144 से काटा देन से 12 हम 16 को जब 256 काटा देन से 16 हम तो 12 प्लस 16 आम आंसर के 28 बुझिपारे तो आपण मैंने क्वेश्चन को प्रथम देखु देन परसेंटेज को किभली भाव में फ्राक्शन में कनवर्टेड करके देखु जहाँफल आपण क्वेश्चन सॉल्व करवे इजी हे तो जदि भी बुझिपुना आपण मैंने वीडियो को रिवाइंड कर बार बार देखने ही बुझिपारे तेब आम लास्ट क्वेश्चन टी आपण मानी कौन अच्छी आसन देखा तो ये 33.1 विभक्त 3% अफ 771 प्लस 25% अफ 160 माइनस 44.4 बाय 9% अफ 72 तो मुझे क्वेश्चन टी आप कराऊनि ए क्वेश्चन टी आप होमवर्क रहा तो आपण मैंने ये क्वेश्चन टी आपजे मनर सल्व करूँ तो देखिए आपण मैंने प्रथम कौन करूँ परसेंटेज को फ्राक्शन और फ्राक्शन को परसेंटेज सल्व करवा शिखु देन मुझे दुईट क्वेश्चन आपँ सल्व कर शिखेली शिखु जहाँफल आपश्चिन को सल्व करें तेब यह आज क्लास क्लास आपण को किभली लगे आपण मैंने कमेंट मध्यम जनातु एवं ए क्वेश्चन आंसर को कमेंट बक्स आंसर दिंतु तेब आजपाई ये थैंक यू बाय एंड टेक् केयर।